hello everyone welcome back to grow and shine in this video i am going to provide you the solution of chapter the conceited python of class 8 from Sagar focus english so let's get started question number one where did grandfather get the python from dada ji ne ko python kaha se question number two how did grandfather impress the boys and the girls gathered around the snake charmer dada ji ne लड़के और लड़कियों की भीड़ को किस तरीके से इम्प्रेस किया जो स्नेक चार्मर के आसपास थी यानी सपेरे के आसपास थी थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है वेयर डिड ग्रैंड फादर प्लेज द पाइथन दादाजी ने पाइथन को कहाँ रखा आंसर नंबर वन ग्रैंड फादर गॉड द पाइथन फ्रॉम अ स्नेक चार्मर एट द बाज़ार दादाजी को पाइथन बाजार में स्नेक चार्मर से मिला ग्रैंड फादर इम्प्रेस्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स गैदर्ड अराउंड द स्नैक चार्मर बाई स्लिंगिंग द पाइथन ओवर दोल्डर एंड वॉकिंग होम विद इट पाइथन को अपने शोल्डर पर लटका कर लाद कर घर चल कर जाते हुए ग्रैंड फादर ने स्नैक चार्मर के अराउंड जो गर्ल्स एंड बॉयज़ की भीड़ थी उसको इम्प्रेस किया थर्ड का आंसर है ग्रैंड फादर प्लेस्ड द पाइथन इन द टब इन द बाथरूम ग्रैंड फादर ने पाइथन को बाथरूम के अंदर टब में रखा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट डिड एवरी वन नोटिस वेन द डोर ऑफ द बाथरूम वॉज ओपन सब ने क्या नोटिस किया जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द पाइथन डिसअपियर फ्राम द बाथरूम पाइथन बाथरूम से कैसे डिसअपियर हो गया यानी कि लापता हो गया या दिखाई देना बंद हो गया और क्वेश्चन है वट डिड आंट मेबल सी इन द गवा ट्री आंट मेबल ने गवावर ट्री में क्या देखा वॉट डिड ही वट डिड शी थिंक इट वॉज और उनको क्या लगा कि वो क्या था फर्स्ट का आंसर है वेन द डोर ऑफ द बाथरूम वॉज ओपन एवरी वन नोटिसड दैट पाइथन वॉज नॉट देयर इन द बाथरूम जब बाथरूम का दरवाजा खोला गया तो सब ने नोटिस किया कि पाइथन वहाँ बाथरूम में नहीं था सेकेंड का आंसर है द पाइथन डिसअपियर थ्रू द विंडो ऑफ द बाथरूम दैट वॉज लेफ्ट ओपन और जो पाइथन था वो बाथरूम से डिसपेयर हो गया था क्योंकि उस बाथरूम का जो विंडो था वो खुला छोड़ दिया गया था थर्ड का आंसर है आंट मेबल सो द पाइथन इन द गुआव ट्री आठ मेबल ने अमरूद के पेड़ में पाइथन को देखा शी थॉट इट वॉज अ ट्वेंटी फीट लॉन्ग बोआ कंस्ट्रिक्टर और उन्होंने सोचा कि ये बीस फीट लंबा कोई बोआ कंस्ट्रिक्टर है बोआ कंस्ट्रिक्टर एक अजगर के लिए यूज किया गया है यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सो द पाइथन क्रॉलिंग अप द आयरन लैडर टू द रूफ किसने देखा था पाइथन को रेंगते हुए आयरन लैडर से रूफ की तरफ जाते हुए सेकेंड क्वेश्चन है वट वॉज द पाइथन डूइंग ऑन द ड्रेसिंग टेबल पाइथन ड्रेसिंग टेबल के सामने क्या कर रहा था लास्ट क्वेश्चन वॉट मेड ग्रैंड फादर थिंक दैट इट वुड बी ईजियर टू कैच द पाइथन दादाजी को किस चीज़ की वजह से ऐसा लगा कि पाइथन को कैच करना अब ईजी हो जाएगा आंसर है द कुक सॉ द पाइथन क्रॉलिंग अप द आयरन लैडर टू द रूफ कुक ने देखा था पाइथन को रेंगते हुए आयरन लैडर से छत की तरफ जाते हुए सेकेंड का आंसर है द पाइथन वॉज लुकिंग एट इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर ऑफ द ड्रेसिंग टेबल एट एंड एडमायरिंग इट सेल्फ पाइथन जो है मिरर के सामने अपने ही रिफ्लेक्शन को देख रहा था ड्रेसिंग टेबल पर और ख़ुद की ही तारीफें कर रहा था थर्ड का आंसर है ग्रैंड फादर बिलीव दैट ही हैड फाउंड द पाइथन वीक पॉइंट ग्रैंड फादर को विश्वास था कि उन्होंने पाइथन के सबसे वीक पॉइंट को ढूंढ लिया है या समझ लिया है द पाइथन वॉज बिकमिंग वेन एंड दिस नॉलेज वुड मेक मेक इट ईजियर फॉर टू कैच इट और ये नॉलेज उनको इसे कैच करने के लिए हेल्प करेगा लेट सॉल्व द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ दिस चैप्टर एक्सरसाइज ए रीड देंटेंसेज एंड आंसर द क्वेश्चन सेंटेंस है हमारा एंड देन टुअर्ड्स इवनिंग वी वर स्टार्ट बाई अ स्क्रीम फ्रॉम द गार्डन इस लाइन के बिहार में पूछा गया है हु स्क्रीम्ड फ्रॉम द गार्डन गार्डन से किसने चीखा सेकेंड क्वेश्चन है वाई डिड द पर्सन स्क्रीम उस पर्सन ने क्यों चीखा और थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर दिस और इस इंसिडेंट के बाद एकदम से क्या हुआ इमिडिएटली फर्स्ट का आंसर है आंट मेबल इसकेम्ड फ्रॉम द गार्डन आंट मेबल गार्डन से चिल्लाई सेकेंड का आंसर है आंट मेबल सो द पाइथन इन द गोआवर ट्री एंड वॉज टेरिफाइड आंट मेबल ने गोआवर ट्री पर पाइथन को देखा जो कि बहुत ही ज़्यादा भयानक था टेरिफाइड था थर्ड का आंसर है इमिडिएटली आफ्टर दिस तुरंत इसके बाद आंट मेबल केम रनिंग अप द व्रांर स्टेप्स लुकिंग टेरिफाइड आंट मेबल दौड़ते हुए व्रांदर स्टेप्स में आई और बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइड नजर आ रही थी बहुत ही ज़्यादा डरी हुई नजर आ रही थी नेक्स्ट लाइन है एनी वे नाउ वी नो हिज़ वीकनेस इस लाइन के भी यहाँ पर पूछा गया है हु सेट दीज वर्ड्स किसने कहे थे ये शब्द सेकेंड है हुज वीकनेस वॉज बींग टॉक्ड अबाउट किसकी वीकनेस के बारे में यहाँ बात की जा रही थी थर्ड क्वेश्चन है वॉट वॉज द वीकनेस और ये वीकनेस क्या थी फर्स्ट का आंसर है ग्रैंड फादर सेट दीज वर्ड्स ग्रैंड फादर ने ये शब्द कहे थे सेकेंड का आंसर है द पाइथंस वीकनेस वॉज बींग ट्ड टॉक्ड अबाउट पाइथन की वीकनेस के बारे में यहाँ बात की जा रही थी लास्ट आंसर है द पाइथंस वीकनेस वॉज दैट इट हैड बिकम वेन बिकॉज ऑफ ऑल द अटेंशन दैट इट वॉज गेटिंग और पाइथन की वीकनेस ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा निरर्थक होता जा रहा था उन सारी अटेंशन की वजह से जो उसको मिल रही थी एक्सरसाइज बी आंसर दीज क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल्स वॉज ग्रैंड मदर इन टॉलरेंट ऑफ ग्रैंड मदर के लिए कौन से जानवर जो है इनटोलरेंट थे मतलब कि जिनको वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी आंसर ग्रैंड मदर वाज इनटोलरेंट ऑफ रेप्टाइल्स ग्रैंड मदर रेप्टाइल्स को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी आंसर ग्रैंड मदर वाज इनटोलरेंट ऑफ रेप्टाइल्स ग्रैंड मदर रेप्टाइल्स के लिए बहुत ही इनटोलरेंट थी असहनशील थी क्वेश्चन नंबर 2 हाउ डिड टोतो एंड ग्रैंड मदर रिएक्ट व्हेन दे सो ग्रैंडफादर विद द पाइथन टोटो जो कि मंकी का नाम था टोटो और ग्रैंड मदर ने कैसे रिएक्ट किया जब उन्होंने ग्रैंड फादर को uh, के साथ पाइथन को देखा टोटो फ्लैट इन टू द हाउस टोटो घर में भागा स्क्वीलिंग विद फ्राइट डर से चीखते हुए वैन ही सो ग्रैंड फादर विद द पाइथन जब उसने ग्रैंड फादर को पाइथन के साथ देखा ग्रैंड मदर हु केम टू द व्रांदा ऑन हियरिंग टोटो स्क्ल ग्रैंड मदर जो कि टोटो की चीख सुनकर के वांदा में आई नियरली फटेड एट द साइट ऑफ द पाइथन कर्ल्ड राउंड ग्रैंड फादर्स थ्रॉट वो लगभग बेहोश होते होते बची जब उन्होंने दृश्य देखा कि ग्रैंड फादर के गले में एक पाइथन लिपटा हुआ है क्वेश्चन नंबर थ्री वे डिड आंट मेबल सी द पाइथन फॉर द सेकेंड टाइम आंट मेबल ने पाइथन को सेकेंड टाइम कहाँ देखा था वॉट इफेक्ट डिड इट हैर और इसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ा आंसर आंट मेबल सो द पाइथन द सेकेंड टाइम एज इट इमर्ज फ्रॉम बिनीथ द क्वेश्चन आर्ट मेबल ने सेकेंड टाइम पाइथन को उनकी कुशन के नीचे से निकलते हुए देखा शी वॉज सो फ्राइटन एंड शॉक्ड दैट शी पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट वो इतना ज़्यादा डर गई थी कि वो शॉक्ट हो गई थी और उन्होंने अपना बैग पैक किया और चली गई क्वेश्चन नंबर फोर वाई डिट ग्रैंड फादर सेट अप अ ट्रैप फॉर द पाइथन इवन दो अ पाइथनस बाइट इज नॉट पॉइजनस ग्रैंड ने पाइथन के लिए पिंजरा क्यों तैयार किया हालांकि पाइथन का जो uh, काटना है उसकी जो बाइट होती है वो पॉइजनस नहीं होती है जहरीली नहीं होती है आंसर ग्रैंड फादर सेटअप और ट्रैप फॉर द पाइथन इवन दो पाइथन बाइट इज नॉट पॉइजनस ग्रैंड ने एक पिंजरा तैयार किया पाइथन के लिए हालाँकि पाइथन की जो बाइट होती है uh, उसका काटा वो जहरीला नहीं होता जहर नहीं होता उसमें बिकॉज इट कुड स्वेलो अ लाइफ मंगी एंड इट वुड बी अ रिस्की प्लेमेंट फॉर अ स्मॉल बॉय और वो क्योंकि उसके अंदर क्षमता होती है कि वो एक ज़िंदा मंकी को भी निगल सकता था और एक प्लेमेट के लिए भी रिस्की हो सकता था प्लेमेट यहाँ पर स्मॉल बॉय के लिए बोला जा रहा है आप अपना आंसर जो है यहाँ तक लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ा बड़ा आंसर चाहिए तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से आगे दस द पाइथन पोस्ट अ डेंजर टू बोथ द नरेटर एंड टोटो यहाँ पे नरेटर कौन है वो एक स्मॉल बॉय तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि जो इस यहाँ इस चैप्टर के राइटर हैं रस्किन बॉर्न वो अपने बचपन की याद इस चैप्टर में शेयर कर रहे हैं इस छोटी सी स्टोरी में तो वो एक छोटे बच्चे थे तो यहाँ पर बोला गया कि एक छोटे से लड़के के लिए और टोटो के लिए भी वो पाइथन जो है रिस्की था क्वेश्चन नंबर फाइव वॉट डिड ग्रैंड फादर एंड द गार्डनर डू विद द पाइथन आफ्टर इट हैड बीन ट्रैप्ड इन द केज ग्रैंड और गार्डनर ने पाइथन के साथ क्या किया जब उसको उन्होंने ट्रैप कर लिया था केज के अंदर यानी पिंजरे में जब उन्होंने कैद कर लिया तो उसके बाद क्या किया उसके साथ आंसर ग्रैंड फादर एंड द गार्डनर पुट द केज इन अ टोंगा एंड टुक इट अक्रॉस द रिवर बेड ग्रैंड फादर और गार्डनर ने उस पिंजरे को टोंगा में रखा और उसको नदी पार ले गए दे ओपन द ट्रैप डोर एंड लेफ्ट द केज इन द जंगल उन्होंने ट्रैप डोर को खोल दिया और जंगल में उस पिंजरे को छोड़ दिया खोलकर क्वेश्चन नंबर सिक्स ग्रैंडफादर फादर डिडन्ट हैव द हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम द पाइथन वाई ग्रैंडफादर के पास ऐसा दिल नहीं था कि वो पाइथन से उसका मिरर छीन लेते क्यों आंसर ग्रैंड फादर डि नॉट हैव हार्ट टू टेक द मिरर अवे फ्रॉम द पाइथन ग्रैंड फादर के पास ऐसा दिल इतना बड़ा दिल नहीं था उनका कि वो पाइथन से उसका मिरर छीन लेते बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट ही हैज सीन अ स्नेक फॉल इन लव क्योंकि ऐसा पहली बार था जब उन्होंने किसी सांप को प्यार में पढ़ते देखा था exercise c think and answer question a why does grandfather call the python conceited do you agree with him why or why not answer could be like this grandfather calls the python conceited because the python would sit on the dressing table and admire it itself in the mirror it seemed fascinated by its own image i agree with grandfather even when the python was trapped in the cage it was bu busy admiring itself in the mirror when the cage was taken into the forest, the trapdoor lifted. The python still did not move out. Let's understand the vocabulary of this chapter. We are going to read about phrasal verb. Phrasal verb is what? Phrasal verb is verb phrase that consists verb. ठीक है यानी कि फ्रेजल वर्ब में क्या कंसिस्ट किया जाता है क्या होता है वर्ब होता है ओब्वियसली नाम से पता चल रहा है फ्रेजल वर्ब तो यानी कि इस फ्रेज में वर्ब मस्ट है वर्ब होगा ही होगा वर्ब को क्या फॉलो कर रहा होगा एक प्रेपोजिशन या फिर एक एडवर्ब या फिर दोनों ही यानी कि प्रेपोजिशन एडवर्ब दोनों भी हो सकते हैं या सिर्फ और सिर्फ प्रपोजिशन हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब भी हो सकता है सो दैट इज़ कॉल्ड फ्रेजल वर्ब अभी बोला जा रहा है कि स्पेशल मीनिंग होता है एक फ्रेजल वर्ब में कहने का मतलब कि फ्रेजल वर्ब में जो हमने वर्ब देखा है वो वर्ब इंडिविजुअल पार्ट में अलग मीनिंग देगा जबकि फ्रेजल वर्ब में आने के बाद वही वर्ब कुछ अलग सेंस देगा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि लुक आफ्टर तो लुक का मतलब आपको पता है लुक का मतलब होता है देखना आफ्टर क्या है प्रपोजिशन है इस आफ्टर का क्या मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे राइट right? तो किसी चीज़ के पीछे या फिर और uh, कोई चीज़ देखना लेकिन लुक आफ्टर का मतलब यहाँ पे कम्प्लीटली अलग हो जाएगा जब हम लुक के साथ आफ्टर लगाते हैं तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन जाता है जिसमें कि लुक और आफ्टर का अपना अलग अलग इंडिविजुअल मीनिंग ना हो करके एक डिफरेंट स्पेशल मीनिंग ये हमें देता है तो यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब हो गया किसी चीज़ की किसी बच्चे की या किसी की भी देखभाल करना तो आपने देखा कि लुक का अपना अलग मतलब था आफ्टर का अपना अलग मतलब था लेकिन इन दोनों को साथ में मिलाने से एक फ्रेज़ल वर्ब बन गया और फ्रेज़ल वर्ब बनते ही इसका बिल्कुल मीनिंग चेंज हो गया तो लुक आफ्टर का मतलब हो गया देखभाल करना इसी तरीके से बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं इसे और बेहतर समझने के लिए हमें एक एक्सरसाइज़ करनी होगी इसको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पर हमें फिलअप uh, दिया गया है बोल रहे हैं ग्रैंड मदर ओवरहर्ड एंड डैश माई पॉकेट मनी फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक यानी कि बच्चे हफ्ते के बचे हुए दिनों के लिए मेरी पॉकेट मनी को रोक लिया था दादी ने ओवरहर्ड करने के बाद ओवरहर्ड का मतलब हो गया कि कोई चीज़ गलती से सुन लेना मतलब कि जो हमारे ऑथर हैं रस्किन बॉन्ड वो अपने दादा जी से कुछ कह रहे थे और दादी ने गलती से सुन लिया था दैट इज़ वाई यहाँ पर ओवरहर्ड वर्ड यूज़ हो रहा है तो कह रहे कि दादी ने गलती से सुनने के बाद मेरी पॉकेट मनी को क्या कर लिया था रोक लिया यानी कि हेल्ड अप यहाँ पर क्या है एक फ्रेजल वर्ब है और सेकेंड सेंटेंस है आई डैश लर्निंग द तबला ड्यूरिंग माई समर हॉलीडेज गर्मियों की छुट्टी के दौरान मैं तबला सीखने की सोच रही हूँ या तबला सीखने की देख रही हूँ तो लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ आप प्लानिंग कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड लुक फॉरवर्ड टू थर्ड है मैनी मोर पीपल डैश फॉर द मीटिंग देन वी हैड एक्सपेक्टेड जितनी हमने उम्मीद की थी उससे कहीं ज़्यादा जो है लोग हमें मीटिंग में नजर आए या फिर वो आए तो शोर्ड का मतलब हो गया कि कोई चीज़ हमें नज़र आना काम डाउन तो बहुत ही ज़्यादा आसान है आप लोगों ने सुना ही होगा यूज़ भी किया होगा तो काम डाउन का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस करना शांत हो जाना रिलैक्स फील करना ठीक है फिफ्थ सेंटेंस है द चिल्ड्रन डैश क्लीनिंग द बीच एंड सोन कम्पलीटेड द टास्क बच्चों ने बीच को क्लीन करने का काम शुरू किया और बहुत जल्द ही टास्क कंप्लीट किया तो सेट अबाउट का मतलब है कोई चीज़ की शुरुआत करना नेक्स्ट है आवर साइंस लैब इज़ फिटेड अप विद ऑल द मॉडर्न इक्विपमेंट्स हमारा साइंस लैब जो है सारे मॉडर्न इक्विपमेंट से भरा हुआ है अप ओके लास्ट है शबाना सिस्टर इज़ जस्ट ट्वेंटी फोर बट शी हैज़ ऑलरेडी डैश हर ओन बिजनेस शबाना की बहन सिर्फ ट्वेंटी फोर ईयर्स की है और उसने अपना खुद का बिजनेस स्टेटअप कर लिया है यानी स्थापित कर लिया है उम्मीद है फ्रेजल वर्ब आपको क्लियर हो गया होगा और इस चैप्टर के सारे सॉल्यूशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग